वेलकम टू ज़ायरा किचन। आज की हमारी रेसिपी है अक्षय तृतीया पर खीच और गुलाब के साथ बनने वाली बढ़िया फलिया काचरी और लाल मिर्ची की साबुत सब्जी। इसे हम सूखी और ग्रेवी वाली दोनों तरीके की बनाएंगे। सबसे पहले हम पानी गर्म करेंगे और डेढ़ कटोरी साबुत बढ़ियों को हम उबालेंगे। बढ़िया बहुत जल्दी उबल जाती है तो आप ध्यान रखिएगा। 5 मिनट में हमारी बढ़िया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, आप निकाल के इसे देख लीजिए। बढ़ियों को हमें तोड़ना नहीं है, जैसी है वैसी ही रखनी है। केवल सॉफ्ट होने के बाद इसका सारा पानी हमें निकाल के अलग कर देना है। अब हम एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम 4 से 5 कप पानी डालेंगे और पानी में एक उबाल आने के बाद हम इसमें साबुत फलियां, इनको हमें काटना नहीं है क्योंकि अक्षय तृतीया पर हम चाकू का उपयोग नहीं करते हैं, इन्हें केवल आगे और पीछे से हाथों से ही साफ करना है। फलियों को डालने के बाद हम इसमें साबुत काचरी और साबुत लाल मिर्ची डालेंगे। ये सूखी काचरी है, ये राजस्थान में बहुत फेमस है, इसकी चटनी भी बनती है और इसे पीस कर इसका पाउडर कई सब्जियों में खटाई के रूप में भी काम में लिया जाता है। और सूखी हुई लाल मिर्च, इन तीनों को आप अच्छे से पानी में उबाल लीजिए जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद आप इन्हें निकाल के देख लीजिए और हाथों से चेक कर लीजिए। अब हम सब्जी की ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही लिया है। मैं उसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सब को डालकर मैं दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मैं दही को फेंट लूँगी। अक्षय तृतीया पर इस सब्जी को दही की ग्रेवी के साथ ही बनाया जाता है। अब मैंने 1/2 टीस्पून इसमें हींग डाली है, 1/2 टीस्पून मैं दही में डालूँगी और 1/2 टीस्पून मैं पैन में डालूँगी। अब मैंने यहाँ पर 3 से 4 टीस्पून घी लिया है, ये बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून बची हुई हींग डालकर, हींग जले उससे पहले मैं इसमें मसाले वाला दही डाल दूंगी। दही की सब्जी घी में बहुत स्वादिष्ट लगती है, आप चाहे तो तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। दही को घी में डालने के बाद हमें जब तक एक उबाल नहीं आ जाता हम इसे लगातार चलाते रहें। एक उबाल आने के बाद आप गैस की फ्लेम धीरे करके इसे छोड़ सकते हैं। लगातार चलाने से दही फटता नहीं है और हमारी ग्रेवी बहुत स्वादिष्ट बनती है। जब ग्रेवी के ऊपर इस तरीके से घी आ जाए तो आप समझिए कि हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके गर्म पानी डालेंगे। पानी में जब एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें उबली हुई सब्जियाँ और उबली हुई बढ़ियाँ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी अक्षय तृतीया की सब्जी बनके तैयार है। ये बनाने में बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर आधी बढ़िया और आधी सब्जियों का उपयोग ही किया है क्योंकि बाकी बची हुई सब्जी और बंगोड़ी से मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी। अक्षय तृतीया की ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार है। अब हम सूखी सब्जी बनाएंगे, उसके लिए एक पैन में 4 से 5 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून हींग डालकर हम इसमें सारी उबली हुई सब्जियां डाल देंगे और उबली हुई बढ़िया भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और खटाई के लिए अमचूर डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की दोनों सब्जियां बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।